तैयारी का क्रेडिट किस चैनल को देना चाहते हो? RWAP को। रीजनिंग में तो ऐसे आ रहे 20-20 करी आओगे तुम। जतिन गोस्वामी किस खेल समिति ने पद्मश्री मिला 2022 में? एक समय दूरी के ज्यादा है, 3 सवाल थे समय दूरी के। RWA तो पढ़ा हूँ। रीजनिंग भी 100% है, हिंदी भी 100% आ रही है। पृथ्वी का एक उपग्रह बढ़िया गया। कोई क्वेश्चन याद है जी इसमें? जीएस के तो याद नहीं है, पर मैथ की याद है। अच्छा, मैथ के एक क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें दे रखी थी टाइम एंड लिमिट, वो दे रखी थी स्पीड, एक ही स्पीड दे रखी थी, बी की स्पीड दे रखी थी, छोटी चेंज था स्पीड में, और उससे पूछ रहा था कि 1 किलोमीटर में वो कितना गैप दे देगा एक बच्चे को। अच्छा, वो ट्रेन का था ये? नहीं, अलग से था वो। अलग से था, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन? एक सीरीज का था रीजनिंग में, और एक यार था रेप्टाइल वाला, मैमल्स वाला रीजनिंग में, और फिर भाई कोडिंग डिकोडिंग के भी थे, सीरीज के भी थे। दो क्वेश्चन थे इसके सीटिंग अरेंजमेंट के। अच्छा भाई, जीएस में कोई क्वेश्चन याद हो? जीएस के याद नहीं है भाई, याद नहीं। नृत्य वगैरह है? नृत्य आ रहा है। अच्छा, कौन सा बुज्जा गया? फेस्टिवल भी आ रहा। अच्छा, कौन सा? मणिपुर का नृत्य था। मणिपुर का। और जनसंख्या से ऐसा नहीं, जनसंख्या वाला कोई क्वेश्चन नहीं। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं था, करंट अफेयर के थे, थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसा गया भाई? पेपर सही गया। कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन CI से आए थे, CISI, और तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस से भी थे क्वेश्चन। और GS थोड़ी सी हार्ड थी। GS में मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आए GS में? GS में आया था एक तो एक फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अच्छा, और तुम्हारा फीफा वर्ल्ड कप से था? फीफा वर्ल्ड कप से नहीं था कोई क्वेश्चन। और पेपर यार, पृथ्वी का एक उपग्रह आया था। अच्छा, 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे उसके, सुप्रीम कोर्ट एक तो मुख्य आर्थिक सलाहकार से आया 2022 की पूछ रहा है, करंट अगस्त की, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2022 के। अच्छा, और करंट इसमें GS पॉलिटी से था एक क्वेश्चन। हाँ जी, आर्टिकल से था, और हिंदी बिल्कुल इजी आ रही है भाई, जिसका मैथ बढ़िया ना, मैथ में 6 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहा है, इल जाने वाले टाइम टेकिंग, जिसने मैथ कर लिया वहाँ पे, अन्य कुछ नहीं पेपर में। GS में आज GS मुझे लग रहा थोड़ा इजी थी, सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसने स्टैटिक टाइप में पढ़ रखा वो कर लेगा। तो यू बताओ, मैथ में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे वे शुरू में दे रखे थे या लास्ट में? ना, तीसरा क्वेश्चन आया डिफिकल्ट देख तो। अच्छा, और एक क्वेश्चन उससे पूछ रहा जैसे बेईमान दुकानदार होता है, छूट कितना परसेंट प्रॉफिट? हाँ, प्रॉफिट इस तरीके से क्वेश्चन है। अच्छा, और तुम्हारे कोडिंग डिकोड एक क्वेश्चन सिटी गवर्नमेंट से, एक हार्ड दे रहा है, एक इजी दे रहा। अच्छा, भाई क्या कौन से क्वेश्चन? भाई रीजनिंग भी 100% है, हिंदी भी 100% आ रही है, मैथ के 3 सवाल थोड़े वैसे है, पर GS जो है वो जिस जो पढ़ रहा वो कर रहा भाई, यूँ मामला। हाँ, GS में कोई क्वेश्चन याद है? GS में युवा प्रधानमंत्री कितनी उम्र चाहिए? अच्छा, हाँ ऐसे ही आ रहे, बस जो पढ़ रहा मैंने पढ़ी ना, मैंने आर्टिकल वगैरह था कोई आर्टिकल ना? हाँ, आर्टिकल ना, बस मैंने GS पढ़ी ना, मैं जब 5 करी आया। नृत्य वगैरह याद आया कोई? नृत्य हुआ, हाँ हाँ, केरल का ये नृत्य क्या हो, एक दो नृत्य के भी आ रहे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन हो? कौन से ना, बस मैंने पढ़ी ना GS, मैं तो मैथ भाई साहब। हाँ पूछिए, एक तो वो आया था जतिन गोस्वामी किस खेल समिति ने पद्मश्री मिला 2022 में। अच्छा, एक वो आया था, और ये क्या कहते हैं CISI के आए थे। अच्छा, और जो मेंसुरेशन है वो थोड़ी हार्ड आ रही है, कैलकुलेटिव। हाँ जी, और क्या कहते हैं, जो हिंदी है ना आपकी वो हिंदी इजी आ रही है। और ये भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन, हाँ वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की उम्र पूछी थी। अच्छा, और ये पूछा था कौन सा गढ़ नहीं है भारत में। उम्र वो पूछी गई थी? हाँ, वो 35 करने के लिए। हाँ, कम से कम कितनी होनी चाहिए, ऐसे सवाल पूछे, नॉर्मल ज्यादा हार्ट नहीं था। और GS में कोई और क्वेश्चन याद है जी? GS में और कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, GS में क्या कहें, और ये पूछा था क्या कहें, नृत्य तो पूछा ही पूछा था, और एक राष्ट्रपति वाला पूछा था, और जी उसमें एक दो और पूछे थे, नृत्य पूछा था, पद्मश्री वाला, वर्ल्ड हाँ, एक ये पूछा था कि हाँ ये इनमें से कौन सा, ये कौन से सागर में स्थित है, ये वाला ही पूछा था। हाँ जी, ये वाला पूछा था। जनसंख्या से नहीं पूछा था। तो ओवरऑल कितने टाइम किए भाई साहब? 67। मॉक टेस्ट लगाते थे पहले? हाँ जी, मॉक टेस्ट लगाते। उसमें कितने आए थे? मेरे मॉक टेस्ट में आ जाते थे सर, क्या कहें, मेरे 130-135 आते थे कुल मिलाकर सर। थोड़ा कम है समय का, थोड़ा फेर था, वो थोड़ा रह गया समय की। जी 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 जी, समय का। 2-4 सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा हार्ड आ रहे हैं, बच्चों को उलझा रहे हैं, वो कैलकुलेटिव है ज्यादा। जी जी, छोड़ना ही ठीक है। फुटबॉल से आया था। अच्छा, मैथ से ज्यादा आ रहे हैं उसके यार, समय दूरी के ज्यादा आ रहे हैं, 3 सवाल थे समय दूरी के।
नौधारा के भी थे, नौधारा के नाते हुए थे, समय दूरी वाले, वो एक इतने में चल रही है तो उसे कितने दिन में पछाड़ देगा, एक सत्ता मतलब एक चार किलोमीटर एक मिनट में चार मिनट में एक किलोमीटर दूरी चलता है, एक चार मिनट दस सेकंड में एक किलोमीटर दूरी चलता है, तो ए बी को कितने टाइम में पिछाड़ देगा। तो कैलकुलेटिव से या थोड़े समय में हो रही थी, चार दशक सवाल तो ऐसे ही थे पर दस तो बहुत ज्यादा कह रहे थे। परसेंटाइल के कैसे क्वेश्चन आ रहे, परसेंटेज के मतलब एक तो छूट, एक तो मतलब 5000 की वस्तु है तो 1619 में बेचा जा रहा है, एक छूट 8% है तो दूसरी छूट कितने परसेंट की थी। हाँ तो कितने टाइम के भैया, मैंने 57 करीब, 57 देता था। मुझे क्वेश्चन याद है आप, मैथ में सीआई से आया था, अच्छा सिंपल वो रेट निकालनी थी क्यूब करके, ठीक है पंचवर्षीय योजना से दो क्वेश्चन थे, और नृत्य था, अरे एक नृत्य से संबंधित वो थे कि कुछ नाम था उनका, हाँ कि किससे किस चीज में नृत्य करे क्या जीतता इन्होंने ये होता, और रीजनिंग में तो ऐसे अरे 20 के 20 करी आओगे तुम, और मैथ की थोड़ी सी एक आध क्वेश्चन कैलकुलेशन आ रहा ना तो पेन उठाने की जरूरत ना, हाँ 18 क्वेश्चन ऐसी हो जाओगे मजाक सेट के, मजाक ना कर रहा ठीक है। हाँ भाई मेरे एक आध क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बस, और तो सिंपल आ रही है ऐसी कोई, नियुक्ति से था क्वेश्चन हिंदी में, नियुक्ति नियुक्ति अपॉइंटमेंट ना राष्ट्रपति की एज आई थी, हाँ वो राष्ट्रपति की एज आई थी, और हिंदी में भी सिंपल क्वेश्चन आ रहे बिल्कुल, हाँ एक एडजेक्टिव को विशेषण से आया था वो था बस, उसमें से छाटना था और तो बस सबसे मुहावरा, तो मुहावरा आया था, मुहावरा था, अरे मुहावरा क्या मुहावरा तो ध्यान ना यार ना भाई, जीएस में बताओ कोई क्वेश्चन, जीएस में बताया था दो पंचवर्षीय से आए थे, एक 2020 की करंट से आया था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में किसने जीता मतलब पदक मिला उसे, और था तुम्हारा धार्मिक उत्सव वगैरह, धार्मिक उत्सव ना है भाई, स्टार्टिंग में क्या आया भाई, नहीं दिखता आया ये, एक तो पंचवर्षीय योजना से आया था, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या पूछा गया था उसमें, ये पूछा गया सबसे मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में काय पे ज्यादा जोर दिया गया, तो कृषि पे ज्यादा जोर गया, हाँ तो कृषि पे जोर दिया गया, सारे नॉर्मल पोजीशन आ रहे हैं, हिंदी तो बढ़िया आ रही है, बढ़िया टोटल सारी हिंदी इजी आ रही है, 20/20 कर सके, 20/20 कर आया हूँ जी यार, सारी टोटल सही जाएगी, और RWA से पढ़ाऊँ, RWA बस ये है मेरा मैथ कमजोर है, मैथ के 8 क्वेश्चन करके आया हूँ, टोटल 60 क्वेश्चन करके आया हूँ, 60 में से 58 मेरे सही जाएंगे, मुझे बिल्कुल पूर्ण रूप से हुआ है क्योंकि मैं RWA से पढ़ा रहा हूँ, बहरहाल बात ये है। तो अपनी तैयारी का क्रेडिट किस चैनल को देना चाहते हो, RWA पे को, RWA हाँ रोजगार भी रंग के, चलो और कितने फॉलोवर हुआ है RWA के जी, फॉलोवर का ना पता चला पढ़ाई उड़ाई में, बस ये है कितने लाइव चल रहे हैं, 7 मिलियन हो गए, हाँ तुमको तुम्हारा गौरव के, चलो ठीक है भैया, क्या नाम चैनल का नाम। तो जो आपने ये एग्जाम एनालिसिस देखा, ये 17 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस था, और इसमें आप लोगों को क्वेश्चन बताए गए, बच्चों ने कैसे क्वेश्चन आए थे, जितने भी हो सके हमने उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी, और भाई वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने का रेशियो आप लोगों का बहुत कम है।